वेलकम बैक गाइस, आई होप ऑल आर गुड। कैसे हैं आप सब लोग? फिर से 2 दिन का गैप आ गया बीच में, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे। मैं वहीं से आपको एक बार रिव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या चीजें हमारी चल रही थी। फर्स्टली वेलकम बैक टू द करियर गोल्स, आई होप ऑल आर गुड। देन स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। होप सो आज लाइट का थोड़ा इश्यू होगा क्योंकि लाइट का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए लाइट्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको थोड़ा क्लियर फेस या क्लियर कुछ नहीं दिखा, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो टॉपिक है। हमने क्लास 12th का एक मैराथन स्टार्ट किया था जिसमें बीच में बहुत सारे इश्यूज की वजह से जो है वो मैराथन 10 डेज के लिए अप्रोक्सीमेटली डिले हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, एंड 10 to 12 days के लिए, उसके लिए रियली वेरी सॉरी, बट आई होप एंड आई विल ट्राई बेस्ट कि आज से जो है वो चीजें कॉन्टिन्यूस रहे, कोई भी बीच में गैप ना आए। मेरा 101% रहेगा आप लोगों के लिए, अगर कोई ब्रेक आता है या डिसकंटिन्यूस हो जाता है उसके लिए आई एम रियली वेरी 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 सॉरी गाइज। ठीक है, दिस टॉपिक इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड, एंड न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट किया था। डीएनए क्या होता है, कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें होती है, केमिकल डीएनए में क्या क्या होता है, लाइक डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो शुगर हुआ, फॉस्फेट ग्रुप हुआ, नाइट्रोजन बेस, ये सब चीजें हमने कंप्लीट करी थी। प्यूरिन पिरामिड, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया, ठीक है, उसके बारे में हर चीज, फिर सेंट्रल डोगमा क्या होता है, फिर प्रोक्रियोटिक में पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की, यूक्रियोटिक में पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, कंक्लूजन जो भी एक चूहे वाला एक्सपेरिमेंट था उसका क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला, ठीक है, ये सारी चीजें जो थी हम लोग जेनेटिक डीएनए वगैरह बैक्टेरियोफेज जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट किया था। और आज से हम स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट करते हैं, आई ट्राई जितना भी कंप्लीट हो पाएगा उतने से ज्यादा इसको हम कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें आपको पूरा पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए, फिर डिफरेंस वगैरह, फिर जीन के कॉन्सेप्ट क्या है, जेनेटिक कोड वगैरह। आई ट्राई कि जीन वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ठीक है, उसके यहाँ तक जितना भी डीएनए और आरएनए का मेन मेन पार्ट है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए वगैरह सारी चीजें आती है वो ट्राई करेंगे आज की क्लास में टोटली कंप्लीट करें। अगर आगे भी कंप्लीट हो गया इट्स वेरी गुड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए प्रोड्यूस करता है अपनी एग्जैक्ट कॉपी, जैसी ओरिजिनल डीएनए था वैसे ही बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी, मतलब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दे सकते हो फोटोकॉपी, डीएनए की फोटोकॉपी। ओके, और यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, जो स्ट्रक्चर मैं आपको तब से बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए के अंदर। जो दो स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए बिकॉज ऑफ दीज बेस सीक्वेंसेस। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? ये बहुत कॉमन मेथड है, किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन में इट्स वेरी कॉमन मेथड। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डीएनए है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस उसके अंदर जरूर प्रेजेंट होगा। अब रेप्लिकेशन ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी फेज में स्टार्ट हो जाएगी, कभी भी स्टार्ट हो जाएगी, लाइक एम फेज में भी रेप्लिकेशन हो गई, जी फेज में भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रेप्लिकेशन होने के लिए भी एक अप्रोप्रिएट टाइम या अप्रोप्रिएट सेल साइकिल होती है। तो रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड जो होती है उन्हें नीड होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड डीएनए की, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने की, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लास्ट में। ओके, हर टाइम पे एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, जब भी रेप्लिकेशन होगा, किसी भी टाइम अगर रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जो दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होते हैं वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो अलग अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं, और हर एक डीएनए का जो भी हर डीएनए का एक हर एक स्ट्रैंड जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है? वो एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है जो आगे चल के एक नया डीएनए स्ट्रैंड या कोई नया स्ट्रैंड फॉर्म करता है।
दैट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए सेपरेट होंगे. ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट. हर स्ट्रैंड किसकी तरह एक्ट करता है? टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड. ठीक है, न्यू स्ट्रैंड जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है ऑन द ई ऑन ईच स्ट्रैंड ईच ओल्ड स्ट्रैंड. ईच स्ट्रैंड नहीं, वो भी पुराने वाले स्ट्रैंड से बाय द कॉम्प्लीमेंट्रीली बेस पेयरिंग. दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्म होते हैं. और हर एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल में एक पुराना डीएनए होता है और एक नया फॉर्म्ड होता है. या तो एक पुराने से चली आएगी गाड़ी और एक दूसरे से नई से चलनी स्टार्ट हो जाती है. ऐसे वॉटसन एंड क्लिक ने यही डिस्क्राइब किया था कि ये जो है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या है, सेमी कंजर्वेटिव आप क्यों बोल सकते हो? मेन बात क्या है कि क्योंकि इसके टाइम पे ना जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए का जो भी एक हम लोगों ने ऑब्वियसली मतलब एक बायोलॉजिकल पार्ट हो या कोई भी साइंस पार्ट हो, हम लोग जब तक किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते तब तक हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं होते. और वो भी तब जब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तब हम 101% श्योर हो जाते हैं कि ये चीज सही हो सकती है. तो लाइक योर आपने एक बीकर लिया, ठीक है, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, क्लोनिकल फ्लास्क बोल लो, मैं बीकर बोल रही हूँ इट्स गलत, क्लोनिकल फ्लास्क लिया हमने, उसमें इकोलाई ऑफ डीएनए बिकम यूनिफॉर्मली लेबल्ड है किससे, N15 जो नाइट्रोजन बेसिस है उससे लेबल्ड हमने डाला. ठीक है, जनरेशन ओ है, ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड किया, तो वही चीज है, डीएनए सेल रेप्लीकेट होना स्टार्ट हुए. उसके बाद फर्स्ट जीरो जनरेशन तक कुछ नहीं था, थोड़ा फिर उसमें जब ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड किया तो थोड़ी चेंजेस आने स्टार्ट हुए. ऐड किया हमने N14 मीडियम को, ठीक है, उसके बाद सेल रेप्लिकेट होने स्टार्ट हुए. जनरेशन फर्स्ट पे आते आते रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, सेकेंड जनरेशन से दोबारा सेकेंड टाइम रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ. ठीक है, थर्ड जनरेशन में भी वही हुआ. ठीक है, तो यही सारी चीज हुई. तो जब फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन वाला टाइम था ना, उस टाइम में हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ये बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, अभी तो आप लोगों को नहीं इतना पता होगा, बट आप जब ग्रेजुएशन करने जाएंगे. तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि हाँ इन सब चीजों का क्यों होता है. ठीक है, ये सारे वही चीजें होती है कि डीएनए को कैसे सेंट्रीफ्यूज किया जाए. ठीक है गाइस, इतना तो समझ में आ रहा होगा. ठीक है, वही पेरेंट डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, तो एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा उसी दूसरे स्ट्रैंड से जो है, ये फर्स्ट जनरेशन है तो एक एक स्ट्रैंड अपना अलग अलग हो गए, उन्होंने अपना एक नया स्ट्रैंड खुद फॉर्म कर लिया. तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए जो इन साइंटिस्ट ने बताया उनके हिसाब से इकोलाई जो होती है वो ग्रो करती है ऑन द NH4Cl कल्चर मीडियम के अंदर. ठीक है, एंड देन वो क्या है, N15 जो होता है एक वो क्या हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है. बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए N15 के होंगे. बेसिक बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं उस कल्चरल मीडियम के ऊपर जिससे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, हाइब्रिड और इंटरमीडिएट टाइप ऑफ द डीएनए जो प्रेजेंट होते हैं उनमें नेक्स्ट जनरेशन में इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए हो जाते हैं या फिर हाइब्रिड डीएनए फॉर्म्ड होते हैं. लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए में एक डिफरेंस मैं बता देती हूँ. अगर N14 ही है,
अगर N14 ही है तो मीन्स इट इज अ लाइट डीएनए, बट अगर N14 दोनों चीजें प्रेजेंट है तो मतलब इट इज अ हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या क्या है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, क्या चीज कैसे वर्क करती है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नंबर ऑफ द सब्सटेंस होंगे, एंजाइम्स होंगे और बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे। सब्सटेंस कौन कौन से प्रेजेंट है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये सब्सटेंस प्रेजेंट है। एंजाइम मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में ये चीज एक्सप्लेन करी है कि आप कभी कंफ्यूज मत होना, अगर किसी भी चीज के पीछे एज लगा हुआ है मीन्स ये एंजाइम है। ठीक है, लाइक एंजाइम इज डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज एंड डीएनए लाइगेज। तो डीएनए पॉलीमरेज इज थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, एंड प्रोटीन इज SSB, जिसे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो दिस इज ए 5' to 3' स्ट्रैंड एंड दिस इज ए 3' to 5' स्ट्रैंड। जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते, मतलब उनकी जो नंबरिंग है या जो उनको दिया जाता है, जो डिजिट्स है वो हमेशा अपोजिट होती है, 5' to 3' एंड 3' to 5'। दिस इज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है, इसमें एक रेप्लिकेशन फॉर्क प्रेजेंट होता है, जहां से मेन काम क्या होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज, लैगिंग स्टैंड, लैगिंग एंड लेडिंग स्टैंड एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब आप पूछेंगे कि मैम लेगिंग और लेडिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस क्या होता है। लेगिंग स्ट्रैंड जो होता है गाइस वो 5' to 3' चलता है, ठीक है, और लेगिंग स्ट्रैंड जो लेडिंग स्ट्रैंड होता है वो स्ट्रेट चलता है, और लेगिंग स्ट्रैंड ब्रेकआउट के साथ चलता है 5' to 3'। ठीक है, दिस इज अ लेडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट एंड दिस इज अ लेगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ओके, ठीक है, ये पूरा ये वाला ऊपर वाला इज ए लेडिंग, नीचे वाला भी लेडिंग, और दिस इज ए लेगिंग और दिस इज ए लेगिंग स्ट्रैंड। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है जो इलॉन्गेट कर रहा है उस लेडिंग स्ट्रैंड को। ठीक है, यहाँ पे हेलिकल्स प्रेजेंट है, हेलिक्लेज एक एंजाइम होता है जो मैंने आपको बताया, जो यूज किया जाता है, डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज किया जाता है। हेलिकेज जो है वो अनबाइंड करता है डबल हेलिक्स को, ये जो डबल हेलिक्स है इनको खोलने में हेल्प करता है, इनको अनबाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जैसे यहाँ पे थर्ड था वो लेडिंग स्ट्रैंड को इलॉन्गेट कर रहा था, ये लेगिंग स्ट्रैंड को इलॉन्गेट करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो क्या परफॉर्म कर रहा है, प्राइमर फॉर्म कर रहा है। ये एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जो टेम्पलेट को, टेम्पलेट जो अवेलेबल है आरएनए प्राइमेज में और डीएनए पॉलीमरेज में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो जो मैकेनिज्म स्टार्ट होता है उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है डीएनए मॉलिक्यूल, जिसको हम पॉइंट ऑफ ओरी भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरी। ठीक है, ओरिजिनल जो है, सॉरी गाइस, एट द ओरिजिन, जो ओरिजिन है उसमें डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड होगा, मतलब टूटे वहां से ब्रेक होगा, ब्रेकिंग स्टार्ट होगी बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या, इसकी किसकी हेल्प से होती है, क्योंकि कुछ चीज तो चाहिए होगी ना, कोई तो एंजाइम चाहिए होगा जिसकी वजह से ये मेन काम होगा, तो वो एंजाइम होता है डीएनए हेलिकेज। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जब सेपरेशन का पॉइंट पॉइंट आता है, किसकी तरह दिखने लगता है, वो वाई शेप की तरह आपको दिखने लगेगा या किसी फॉर्क की तरह दिखने लगेगा, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं।
ईच ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, और वो क्या बनाता है, वो एक नया सिंथेसाइज करता है, एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करता है। एसएसबी प्रोटीन मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ अटैच होते हैं, वो अनवाइंड स्ट्रैंड पे अटैच होते हैं, जो क्या करते हैं वो प्रिवेंट करते हैं रीजॉइनिंग को। द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जब भी नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है ऑन द ओल्ड स्ट्रैंड टेक्स प्लेस बाय द एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एंड इट एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ओके, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो मैंने आपको बताया था वो उसका क्या काम है, वो ऑलवेज एक ही काम करता है, वो सिंथेसाइज करता है एक नया स्ट्रैंड 5' टू 3' डायरेक्शन में, मतलब 5' टू 3'। एंड देन 3, 5, 5 ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, जब भी कोई नया स्ट्रैंड बनता है फ्रॉम द पेरेंट टेम्पलेट स्ट्रैंड हैविंग टू द 3' टू 5' एंड इट्स कंटिन्यू, जिसको हम लोग लेडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जब भी कोई नया स्ट्रैंड बनता है फ्रॉम द पेरेंट टेम्पलेट स्ट्रैंड इट इज 5' टू 3' एंड इट इज ए डिसकंटिन्यूस। मैंने आपको यही बताया था, ठीक है, तो वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, जो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बनते हैं उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, या उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जो फॉर्मेशन होती है ओकाजाकी फ्रेगमेंट आरएनए की, आरएनए फ्रेगमेंट आरएनए प्राइमेज की, फर्स्ट सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर, सबसे पहले क्या सिंथेसाइज करते हैं, आरएनए प्राइमर। जो भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है जो कंटिन्यूस कर रहा है सिंथेसिस को, इस वर्क को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को, वो भी 5' टू 3' डायरेक्शन में, एट द एंड जब भी एंड आएगा तो आरएनए प्राइमरी प्राइमर जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसकी किसकी हेल्प से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम की हेल्प से डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है वो आगे जाके फिर से ज्वाइन करता है दोबारा, और उस टाइम पे भी एक एंजाइम की हेल्प ली जाती है, वो एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड वंस अगेन चेक एंड रिपेयर द एरर अकर इन द न्यू स्ट्रैंड। ओके, नेक्स्ट इज द सेंट्रल डोगमा, तो एक नए फ्लो में इंफॉर्मेशन जा रही है डीएनए से एमआरएनए एंड फ्रॉम एमआरएनए टू प्रोटीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। दिस इज द सेंट्रल डोगमा, डीएनए से रेप्लिकेशन के थ्रू आरएनए में गई, आरएनए से ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन में चली गई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोगमा। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू आरएनए और आरएनए से ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन, दिस इज सेंट्रल डोगमा ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। मैकेनिज्म क्या है, अब जैसे आप अपने बात ही कर दी कि भाई डीएनए से जब आरएनए में कन्वर्जन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन।
तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो तीन चीजों से होता है, डीएनए हेलिकलेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट होता है इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड टाई फॉस्फेट्स में बाय द फॉस्फोलाइलेज एंजाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड से, जिसको हम जो क्या है एटीपी हुआ, जीटीपी हुआ, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, इन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा क्या है, ये डायरेक्शन चल रही है आपकी ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन कब स्टार्ट होता है? बाय द अनकॉइलिंग ऑफ द डीएनए। एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां से वो स्टार्ट होता है। स्पेसिफिक साइट को हम लोग प्रमोटर रीजन बोलते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक साइट को हम लोग प्रमोटर रीजन बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस बाय द डीएनए हेलिकेज। आरएनए पॉल सेकेंड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, बाइंड करता है प्रमोटर सीक्वेंसेस को, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को हमेशा, है, एंड ऑलवेज टू द 5' टू 3' डायरेक्शन। अमंग द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए वन स्ट्रैंड इज ए 3' टू 5' एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। दिस इज ए को सॉरी सॉरी गाइस सॉरी गाइस सॉरी दिस इज ए कोडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद दिस इज द न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। यू जी ए जी यू ए सी ए यू जी यू सी, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। अनवाइंडिंग का प्रोसेस होगा, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बबल बोल देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, दिस इज द आरएनए सीक्वेंस जो ऐड होता जा रहा है, जिसे आरएनए डीएनए हाइब्रिड भी बोला जा रहा है, जिसमें 8 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द एक्टिव साइट, ठीक है। दिस इज अ टेम्पलेट स्टैंड, और यहाँ पे क्या है, फिर से अनवाइंडिंग हो रही है और यहाँ पे रिवाइंडिंग हो रही है। ये क्या है, डायरेक्शन हो रही है ट्रांसक्रिप्शन की। द कॉम्प्लीमेंट्री बेस फॉर द टेम्पलेट स्टैंड पेयर टू ट्रांसक्राइब द एमआरएनए। व्हेन द एमआरएनए पॉलीमरेज कहीं पे भी रीच करेगा तो टर्मिनेटर प्रोटीन, टर्मिनेटर पॉइंट क्या है, वो सिंथेसिस ऑफ आरएनए को स्टॉप अप कर देगा। न्यूली सिंथेसाइज जो भी एम आर एन ए है यूकैरियोटिक के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच एन आर एन ए, हेटरोजीनियस आर एन ए। इट अंडरगोज द पोस्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बाय दिस। द यूकैरियोटिक एम आर एन ए जो होता है वो क्या कंटेन करता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो एक्सॉन और इंट्रॉन को कंटेन करके रखता है, या उसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन स्लिपिंग इंट्रॉन जो होते हैं वो मूव आउट हो जाते हैं, और एक्सॉन की जो होती है वो एंट्री हो जाती है, ठीक है। जो एच एन आर एन ए है, एच एन आर एन ए मैंने किसको बताया था आपको, जो हिट्रोजीनस एच आर एन ए होता है उसके अंदर फिर से एडिशन स्टार्ट हो जाएगा, एडिशनल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग कैपिंग या टेलिंग बोलना स्टार्ट करेंगे। तो जो कैपिंग है वो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल मिथाइल ग्लूनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करेगा, कहाँ पे, 5' एंड ऑफ द एच आर एन ए पे। और इन द टेलिंग जो एडेनाइलेट है वो ऐड होगा 3' एंड पे एज ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के साथ। फुल्ली प्रोसेस जब हो जाएगा एच एन आर एन ए तो नाउ कॉल्ड इज ए एम आर एन ए, फिर हम उसको एम आर एन ए बोलेंगे, एंड ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज ए मैसेंजर आर एन ए। मैसेंजर आर एन ए में क्या है, इट्स कैरी द आर एन ए, इट इज द आर एन ए दैट कैरी द मैसेज। वो आर एन ए जो मैसेज को कैरी कर रहा है फ्रॉम डीएनए टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। इट रिप्रेजेंट अबाउट द 5% टू 10% ऑफ द टोटल आर एन ए ऑफ द सेल। कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडोन, ठीक है। यह स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल ह्यूमन प्रोटीन बाइंड कोडिंग एम आर एन ए इंक्लूडिंग द अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसको हम UTRs बोलते हैं। mRNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। द यूकैरियोटिक mRNA कंटेन करता है कैप एट द 5' एंड पर 5th एंड पे, कंपोज्ड ऑफ द 7-मिथाइल गाइनोसिन, और इट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक mRNA। नेक्स्ट टू द कैप इट इज हैज नॉन कोडिंग रीजन, जिसको हम लोग लीडर सीक्वेंस भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट टू द इट इज एज ए इनिशिएटर कोडोन। इनिशिएटर कोडोन कौन से होते हैं, ए यू जी, एडेलिन, गुआनिन,
और जो इनिशिएट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का मेन वर्क जो है वही इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जो भी इनिशिएटर कोडोन है तो कोडिंग सीक्वेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है और इट इज ए कोड फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम लोग एग्जॉन बोलते हैं। नेक्स्ट टू द टर्मिनेटर कोडोन UAA, UGA एंड UAG जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो टर्मिनेट करते हैं प्रोटीन सीक्वेंस को। नेक्स्ट टू अगेन द नॉन कोडिंग रीजन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक में mRNA जो पॉली ए टेल होती है वो प्रेजेंट होती है किस तरफ, पी प्राइम एंड पे प्रेजेंट होती है। मेन फंक्शन क्या होता है आरएनए का, मतलब राइबोसोम आरएनए का, ये बाइंडिंग की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज एंजाइम, राइबो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस टाइम। डिफरेंस क्या होगा डीएनए एंड आरएनए के बीच में, डीएनए का मॉलिक्युलर वेट हाई होता है, आरएनए का मॉलिक्युलर वेट कम होता है। डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए इज ए डीऑक्सीराइबो शुगर इज अ पेंटोज शुगर, और इसमें क्या राइबो शुगर इज ए पेंटोज शुगर, ठीक है। थायमिन इज ए प्रेजेंट और इसके अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है। अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होते हैं, आरएनए के अंदर अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस भी प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और आरएनए में वायरसेस, ठीक है। फर्स्टली एक नोट है जिसके अंदर कुछ मेन मेन चीजें हैं कि डीएनए पॉलीमरेज इज ऑल्सो कॉल्ड द डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, न्यूक्लियोलस में मिलेगा एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, हेंस न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड द राइबोसोम फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो हेल्प करता है सिंथेसिस करने में एमआरएनए की, और आरएनए पॉल थर्ड जो है वो हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए में। राइबोसोमल आरएनए इज द इनसॉल्युबल आरएनए, ठीक है। इट इज अ डीएनए सीक्वेंस फाउंड इन द प्रोमोटर रीजन ऑफ द जीन इन यूकैरियोट, इट हैज अ सीक्वेंस ए TATTATG, ठीक है, जिसको हम लोग टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। टाटा बॉक्स इज ए डीएनए सीक्वेंस जो फाउंड होता है एक प्रमोटर रीजन ऑफ जीन पे इन यूकैरियोट एंड इट्स द सीक्वेंस ऑफ द TATTAAAT, ओके गाइस। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ए जीन, ठीक है, जो मैंने बोला था हम कल स्टार्ट करते हैं, बट इट्स ओके फाइन, अभी स्टार्ट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स वे पूरा ये जेनेटिक कोड और टीआरएनए वगैरह एमआरएनए हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। पेप्टाइड बॉन्ड के जो इनिशिएशन है और पेप्टाइड बॉन्ड का जो भी आगे का पूरा थ्योरी है वो हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे, कि बहुत लंबा पार्ट है, मैं एक दिन में नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि इतना भी नहीं करवाना चाहिए, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और मैं बोलती चली जाऊंगी, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, होप सो टाइम लगेगा, आई नो मैंने मैराथन स्टार्ट किया था बट ये टॉपिक बहुत वास्ट है, ठीक है। तो मीन्स इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए जीन एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए जीन। जीन इज ए बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो एक्सप्रेस करता है अपना कुछ जेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। 1857 में अप्रॉक्सीमेटली 1847 में जो जॉर्ज मेडल थे उन्होंने कंडक्ट किया था एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, वो भी पी प्लांट के साथ, जिसको हम लोगों ने क्या था दी कॉल्ड देम एज ए फैक्टर। 1909 में डेनिश जो थे बायो के स्टूडेंट है थे मतलब एक बायो बॉटनी के स्टूडेंट, ने प्रपोज किया था ईच प्रोपोर्शन ऑफ द क्रोमोजोम कंट्रोल द फिनोटाइप, जिसको उन्होंने जीन दिया था, ठीक है। ऐसे हर साइंटिस्ट ने अपने कुछ जीन के अलग 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 वेरिएंट डिस्क्राइब किए थे। लाइक 1941 में जॉर्ज ने बोला था कि डिस्कवर द जीन जो कंट्रोल करता है किस चीज को, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। दे प्रपोज वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ी भी होगी।
वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, 1944 में अनाउंस किया गया कि डीएनए इज द सब्सटेंस जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द हेरिडिटी। 1950 में वॉस्टन केक ने डिस्कवर किया था एक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द जीन इज मेड अप ऑफ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये सब कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया ऑन द इकोलाई एंड टीआरएनए बैक्टीरियोफेज में। एक्ट अकॉर्डिंग टू हिम जीन जो सिस्ट्रॉन है, रिकॉन है, म्यूटॉन है, रेप्लिकॉन है, ये सारी चीजें उससे स्टार्ट हुई थी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्ट्रॉन? ये एक स्ट्रक्चरल जीन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है, जो क्या करता है, वो कोड करता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन को। रिकॉन क्या है? रिकॉन भी इट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए का यूनिट है दैट अंडरगो द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, म्यूटॉन इट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, ये भी डीएनए का यूनिट है, जो डीएनए का यूनिट ही है जो कैपेबल है टू द अंडरगो द म्यूटेशन। और एप्लीकॉन जो है वो किस चीज के लिए है? रेप्लिकेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए जेनेटिक कोड? जो स्पेसिफिक थ्री स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दैट कोड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, वो किस चीज को? एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है, उसको हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, कोडोन क्या है? दे आर द थ्री स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दैट कोड फ्रॉम द स्पेसिफिक अमीनो एसिड, वो भी एक स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं, जो किस में प्रेजेंट है? एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग कोडोन बोलते हैं। एंटी कोडोन, दे आर द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कोड करता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, जो प्रेजेंट होता है इन द एंटी कोडोन आर्म ऑफ टीआरएनए में, जिसको हम लोग एंटी कोडोन बोलते हैं। एंटी कोडोन आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन। ठीक है, चलिए जनरल फीचर्स कंप्लीट कर लेते हैं, देन टीआरएनए और स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो जेनेटिक कोडोन इज ए ट्रिपलेट, मतलब क्योंकि ईच कोडोन, हर एक कोडोन के अंदर तीन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक कोडोन जो है वो यूनिवर्सल होता है, मीन ईच कोडोन कोड फॉर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक कोडोन आर द नॉन ओ जेनेटिक कोडोन आर द नो ओवरलैपिंग, उसके ऊपर नो कोई भी टाइप की ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब एडजस्टेंट कोडोन नेवर शेयर द अदर न्यूक्लियोटाइड, वो कभी अपने कोडोन को शेयर नहीं करते। जेनेटिक कोडोन इज ए कॉमालेस, इसके अंदर कोई भी कॉमा नहीं होता, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। जेनेटिक कोडोन इज ए डीजनरेटिव इन नेचर, मोर देन वन कोडोन कोड्स आर द सिंगल अमीनो एसिड। ठीक है, लाइक GUA, GUG, GUC, GUU कोडोन फॉर द वेलिनिन। ये देखो ये सारे फर्स्ट लेटर हैं और ये सब सेकंड लेटर हैं, यू 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 सी यू यू ए यू यू जी। ठीक है, दी दो आर द स्टॉप कोडोन, यू ए एंड यू ए जी जो है वो क्या है? ये स्टॉप कोडोन है, यू जी ए यू जी जी भी स्टॉप कोडोन। वॉट इज द इनिशिएटर कोडोन? जो यू ए जी होता है वो इट्स इनिशिएटर कोडोन, वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है, इट कोड फॉर द अमीनो एसिड मिथिनिन। ठीक है, ठीक है, एंड टर्मिनेटर कोडोन क्या है? इसके अंदर 64 कोडोन प्रेजेंट होते हैं, तीन कोडोन क्या है? यू ए जी यू जी ए एंड यू ए ए डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, ये किसी भी टाइप के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इनको टर्मिनेटर कोडोन बोलते हैं और नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं। जो फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी बच्चा कोई चीज नहीं कर पाता है, अगर हम उसको बार बार बोलते हैं तो लास्ट में तो कुछ में क्या कहते हैं, नॉनसेंस है ये तो। ठीक है, इसी चीज तरह ये चीजें वर्क नहीं कर पाती है अमीनो एसिड्स के लिए,
तो हम इसको टर्मिनेटर की टर्मिनेट या फिर हम इनको नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं। जेनेटिक कोडॉन हर एक कोडॉन जो है या हर एक कोडॉन कोड करता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को विद ओनली वन अमीनो एसिड। लाइक यू 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 कोड करता है अमीनो एसिड के एनिलिन को ओनली। ठीक है, जेनेटिक कोडॉन जो है इट्स यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, कोडॉन रीड करते हैं ओनली 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे बबल बेस क्या है, इन ईच कोडॉन थर्ड नाइट्रोजनस बेस इज लेस स्पेसिफिक लाइक यू जी ए यू जी यू सी जी यू जी जी यू यू कोड फॉर द वेलिनिन। ठीक है, नेक्स्ट इज ए ट्रांसफर आर एन ए, स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए वगैरह हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं वहाँ से आपकी प्रॉब्लम देख के और देन आपको आगे कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करनी होगी तो मैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, हम लोग ये चीज़ आई थिंक करने की इतनी सच कोई नीड नहीं है, बट देख लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप ऑल आर गुड। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, आई नो कि बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी कुछ रीजंस की वजह से, बट अब रेगुलरिटी रहेगी थोड़ा। ठीक है, तो अब प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करें, थम्स अप करें। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियोस पे कमेंट करें। ठीक है, आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो इतना ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, बट कल से मैं और टाइम आपकी वीडियोस का बढ़ाएंगे जिससे हमारा सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो और नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वॉचिंग दिस चैनल। ओके, बाय एंड टेक केयर।